तो नमस्कार। आज हम सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स सीपीयू की बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज ए रिसोर्स मैनेजर एंड सीपीयू इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ द सिस्टम। दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम वांट्स द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। जब मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं थी, एक टाइम पे सिस्टम में एक ही प्रोसेस हो सकता था, तो सीपीयू शेड्यूलिंग का कोई मतलब ही नहीं था। जब प्रोसेस रेडी था एग्जीक्यूशन के लिए और उसका एग्जीक्यूशन सीपीयू मिलता था, एग्जीक्यूट करता था, जब वो इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता था तो सीपीयू खाली बैठता था। इसी वजह से मल्टी प्रोग्रामिंग का इन्वेंशन हुआ। मल्टी प्रोग्रामिंग में बेसिकली मोर देन वन प्रोसेस आर इन द मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, से P1, P2 and P3, and suppose P1 is executing at any point of time. Now, due to some reason, the CPU, either P1 voluntarily released CPU or it has been forcibly snatched. Now, the operating system need to allocate CPU to a process. There are two candidates available, P2 and P3. So this scheduling is not a trivial task, and operating system has to decide out of these possible candidates कि किस तरह से हम सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो यही सब चीजें हम सीपीयू शेड्यूलिंग में डिस्कस करते हैं। तो एक रेडी क्यू मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो रेडी क्यू में वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको कि अगर अभी सीपीयू मिल जाए तो एग्जीक्यूशन शुरू कर दे। बस चूंकि हमारे पास सीपीयू अभी एक ही है एंड दिस इज रेडी क्यू, से P1, P4, P5, तो ऑल दीज आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड एंड अगर उनको सीपीयू मिल जाए तो अभी अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर दें। तो जैसे ही सीपीयू फ्री होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सीपीयू शेड्यूलर, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, उसका रोल यहाँ पे आता है। वो एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करता है और इनमें से एक प्रोसेस, मान लिया P4 उसने सेलेक्ट किया, तो P4 को एग्जीक्यूशन शुरू कराना है। ये सिलेक्शन का काम है, ये शेड्यूलर का है, और जो सिलेक्टेड प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का काम है वो डिस्पैचर का है। सिलेक्टेड प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय डिस्पैचर। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्पैचर का जो काम है वो ये है कि जो करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस था उसका कॉन्टेक्स्ट हट जाए और नया प्रोसेस जो बन जाए उसका कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जिस प्रोसेस एंड थ्रेड्स की जब हम बात कर रहे थे। तो शेड्यूलर और डिस्पैचर का रोल बताने के साथ साथ मैं बताऊंगा कि ये सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत हमें कब कब पड़ती है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम की बात की थी। जिसमें कि 5 स्टेट थी, रनिंग, रेडी, वेटिंग, न्यू एंड टर्मिनेटेड। न्यू मीन्स ए न्यू प्रोसेस हैज बीन जनरेटेड, टर्मिनेटेड द प्रोसेस हैज बीन फिनिश्ड, रनिंग करेंटली एग्जीक्यूटिंग बाय द सीपीयू, रेडी द प्रोसेस इज इन द रेडी क्यू एंड इफ सीपीयू इज एलोकेटेड टू इट, इट कैन एग्जीक्यूट, स्टार्ट एग्जीक्यूशन। वेटिंग मीन्स द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट इवेंट और सम किसी दूसरे प्रोसेस के लिए, किसी सिग्नल के लिए, किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है। अगर इसको सीपीयू भी मिल भी जाए तो एग्जीक्यूशन अपना शुरू नहीं कर सकता। तो ये 4 कंडीशन है जिनमें कि सीपीयू की ट्रांजिशन डायग्राम की अगर हम बात करें, जब मेरा प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चला जाता है, ये प्रोसेस P1 था, ये रनिंग था, ये वेटिंग स्टेट में चला गया है ना, तो सीपीयू अब फ्री हो गया। जब सीपीयू फ्री हो गया तो अब सीपीयू शेड्यूलर का काम आ गया कि जो रनिंग रेडी क्यू में जो प्रोसेस है उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करे। दूसरा, प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। अब ये प्रोसेस P1 था जो कि एग्जीक्यूट कर रहा था, ड्यू टू सर्टेन रीजन
ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा नहीं भाई अभी आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो ये रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, बट ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि नहीं कर सकते, तो ये रेडी क्यू में चला जाता है, रनिंग स्टेट से रेडी में चला जाता है। थर्ड में प्रोसेस स्विच फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी। अब ये प्रोसेस वेटिंग स्टेट में था, अब कुछ जिस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा था वो पूरा हो गया, तो ये वेटिंग स्टेट से मेरा रेडी स्टेट में आ गया। तो इस केस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड कर सकता है कि नहीं अब ये जो प्रोसेस पहले वेटिंग स्टेट में था अब रेडी स्टेट में आया है, इसको सीपीयू देना है। तो तीसरी चीज ये होगी। चौथी कंडीशन है कि प्रोसेस P1 जो एग्जीक्यूट कर रहा था, दिस टर्मिनेट्स, इट फिनिशेस इट्स टास्क एंड टर्मिनेट्स। तो ये चार कंडीशन है। इन चार कंडीशंस में दो तरह की, एक तरह से शेड्यूलिंग है, एक को हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, एक को बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में द सीपीयू इज स्नैच्ड फ्रॉम द प्रोसेस करंटली रनिंग प्रोसेस फोर्सिबली, प्रीएम्प्टिव सीपीयू इज स्नैच्ड forcibly, whereas in non-preemptive process voluntarily leaves the CPU. तो आप देखेंगे कि जो मेरी condition 4 है और condition 1 है, ये मेरी voluntarily willingly प्रोसेस ने छोड़ी है सीपीयू, और कंडीशन 2 और कंडीशन 3 में forcibly ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू खाली करवाया है। तो ये 1 एंड 4 में मेरी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होगी और 2 एंड 3 में मेरी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होगी। डिस्पैचर का काम मैंने आपको बताई दिया क्या क्या काम करेगा। अब इसका जो मेन काम है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का है, और जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम लगता है वो बेसिकली एक यूजर प्रोसेस तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, so that is considered as an overhead and we try to reduce the context switching, we try to reduce ki kam se kam context switching ho. Ab scheduling criteria, there are various scheduling algorithms jo ki abhi hum zikr karne ja rahe hain, but what are the performance criteria based upon which we can evaluate an algorithm, this algorithm is good and this algorithm is bad. So ek hai usme se CPU utilization, percentage of time CPU is busy, this is that, we want to keep it close to 100%. Second is throughput, that is number of processes completed per unit time. Third is average turnaround time. Turnaround time, basically we are interested in averages of all these things. Turnaround time, this is the difference between exit time minus submission time, this is turnaround time. Then we have waiting time, this is the amount of time processes spends in ready queue. And the last is basically the response time. Response time can be defined as the time of first response minus submission time. So ek bar response dene ke baad chahe dobara CPU process se chheen liya gaya, lekin sabse pehle response kab mila? Process agar 2 millisecond pe aaya aur 4 millisecond pe response mil gaya, to uska jo response time hai wo 4 minus 2, that will be 2 millisecond. And we are interested in averages of all these. We are not interested in for a particular process, but we are interested in averages. Secondly, we want to maximize these two, CPU and CPU utilization and throughput, and we want to minimize these three, maximize and
minimize. So these are the criteria based upon which we want to evaluate a algorithm. First algorithm is FCFS. What I will do, first I will elaborate all the algorithms briefly, then we will take one numerical, and with the help of that, we will try to understand how the algorithm, each algorithm works. And in the end, we will do some practice questions which are asked in the gate and so. So first algorithm is FCFS. First come, first serve. Ready queue basically works as a FIFO queue. And the process is at the head of the ready queue is selected without considering any other thing. So P1, P4, P7, these are the processes. Suppose yahan pe CPU free hua, to FIFO mein ye process mera CPU mil jayega. Dusra jo mera process, CPU scheduling algorithm hai, wo SJF bolte hain isko, shortest job first. तो और इसके दो वर्जन होते हैं, एक नॉन प्रीएम्प्टिव और एक प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्प्टिव को हम SRTF भी बोलते हैं. एक्चुअल में FCFS का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक लॉन्ग प्रोसेस बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस को वेट करने के लिए फोर्स करता है. फोर्सेस small processes, और उससे हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है. मान लिया ये P1 है, P4 है एंड P7 है, इसका CPU burst time 27 है, इसका CPU burst time 3 है, इसका CPU burst time 3 है. तो अगर मैं FCFS लगा के पहले P1 इसको दे दूं, तो इन दोनों को वेट करना पड़ेगा ज्यादा. और अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं अपने एल्गोरिथम को और P4 P7 को पहले अलाउ कर दूं और उसके बाद फिर P1 को अलाउ करूं, तो एवरेज वेटिंग टाइम विल बी रिड्यूस्ड. ये उसी तरह से आप सोच सकते हैं कि बैंक में कैशियर के पास आप हैं, एक आदमी को 10 लाख जमा करने हैं छोटे छोटे नोट्स में, दूसरे आदमी को 2000 का एक नोट जमा करना है, दो आदमी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं. ये आदमी हालांकि पहले लगा हुआ था, लेकिन कैशियर बोल देता है कि नहीं भाई, पहले ये इनका काम जल्दी से खत्म हो जाएगा एक एक मिनट में, तो इनको अलाउ कर देते हैं. आपके टाइम, आपके काम में मुझे 10-15 मिनट लगने हैं, तो इनको क्यों वेट कराया जाए. तो इस लॉजिक पे बेस्ड रहता है मेरा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. पहले मैं इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन का जिक्र कर लेता हूं. तो जिस समय पे सीपीयू शेड्यूलिंग की जिम्मेदारी आती है, उस समय हम रेडी क्यू को इंस्पेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका कि बर्स टाइम स्मॉलेस्ट है. SJF, नॉन प्रीएम्प्टिव में बात कर रहा हूं. तो प्रोसेस विद स्मॉलेस्ट सीपीयू बर्स्ट इज एलोकेटेड सीपीयू. तो चाहे ये सबसे बाद में आया हो, लिखी कोई इसकी कोई बात नहीं है, बट जब मैं SJF नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहा हूं, तो एक बार अगर हमने सीपीयू एलोकेट कर दिया, तो फिर हम इससे नहीं छीनेंगे, बीच में नहीं छीनेंगे. ये अपना बस खत्म कर लेगा, उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि अब कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, उनमें सबसे छोटा सीपीयू बस किसका है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक केयर. वेयर एज अगर मैं SJF प्रीएम्प्टिव की बात करूं, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में जैसे ही कोई नया प्रोसेस, मान लिया मैंने एक प्रोसेस P1 को दे दिया, सबसे छोटा बर्स्ट इसका उस टाइम पे था, उस टाइम पे थोड़ी देर बाद एक प्रोसेस P7 आया, उसका बर्स्ट, इसका बर्स्ट मान लिया X था, 2 सेकंड बाद ये प्रोसेस आया, ये Y था. अब इसका बर्स्ट X था, 2 सेकंड एग्जीक्यूट हो गया, इसका बर्स्ट रह गया X-2. अब ये X-2 अगर Y से बड़ा है, तो फिर हम इससे सीपीयू छीन लेंगे और इसको सीपीयू एलोकेट कर देंगे. तो बेसिकली हम जब भी कोई नया प्रोसेस आएगा, एक बार फिर दोबारा से हम कंपैरिजन करेंगे, और इस बार हम बर्स्ट टाइम पे ना करके रिमेनिंग टाइम पे करेंगे, क्योंकि जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है वो कुछ एग्जीक्यूट भी कर चुका, तो उसका रिमेनिंग टाइम कितना है और बाकी जितने प्रोसेस है उनका बर्स्ट टाइम कितना है, तो अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड. और अगर नए आए हुए प्रोसेस का बर्स्ट टाइम करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के
रिमेनिंग टाइम से भी कम है तो एक कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा और पुराने प्रोसेस से सीपीयू छीन के नए प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये जो SJF है और SRTF है, इसमें जो एवरेज वेटिंग टाइम है ये देखा गया है कि वो कम रहता है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट्स व्हाई दिस इज यूज्ड। नाउ समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड व्हाट विल बी द सीपीयू बर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस। इफ प्रोसेस है, मैंने बताया था कि सीपीयू बर्स्ट, फिर आईओ बर्स्ट, फिर सीपीयू बर्स्ट, फिर आईओ बर्स्ट, इस तरह से चलता है और पहला और लास्ट मेरा सीपीयू बर्स्ट रहता है। बट इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज नॉट फिक्स्ड। हाउ वी कैन प्रेडिक्ट, दैट प्रेडिक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो वो प्रेडिक्ट करने के लिए हम पास्ट हिस्ट्री यूज करते हैं। वी यूज पास्ट हिस्ट्री एंड दिस इज द फॉर्मूला, this is the prediction for the n plus 1 burst. मेरे पास पिछला prediction भी है और मेरे पास पिछला CPU burst कितना था वो भी है। ये process P1 है मान लिया, ये process P1 है, इसका जो nth burst था उसका time Tn था और जो nth burst पे हमने predict किया था वो tau n था। उस बेसिस पे हमने एक फॉर्मूला ये बनाया, तो n प्लस 1 जो इसका n प्लस 1 बर्स्ट का प्रेडिक्शन है वो मैंने कंसीडर किया अल्फा टी एन प्लस 1 माइनस अल्फा टू एन। ये मेरे करंट पे फोकस कर रहा है और ये मेरी पास हिस्ट्री पे फोकस कर रहा है। तो वो अल्फा की हेल्प से मुझे जो भी चाहिए मैं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं टू एन प्लस 1 को टी एन कर दूं यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 कर दूं तो मैंने कहा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं करंट के बेसिस पे। और अगर मैं अल्फा को 0 कर दूं तो टो एन प्लस 1 इज इक्वल टू टो एन, तो यानी कि मैं पास्ट एवरेज पे फोकस कर रहा हूं। दैट वी कैन डिसाइड। देन देयर इज ए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, क्योंकि इन सिस्टम all processes are not of equal priority. There are certain processes which are suppose system processes, there are certain processes executed by the admin. Suppose vice chancellor ka koi program hai to student ka program ko kam priority deni padegi. To har process ko hum kai bar priority scheduling bhi karte hain. Jo high priority process hai wo low priority process se pehle execute hoga. तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मेरी दो तरह की होती है, वन इज नॉन प्रीएम्प्टिव एंड सेकंड इज प्रीएम्प्टिव। तो फर्क वही है, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जब शेड्यूलिंग करनी है उस टाइम पे जितने प्रोसेसेस रेडी क्यू में हैं, जितने भी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में है हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी एलोकेट होती है और जिस प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस इज सिलेक्टेड एंड गिवन द सीपीयू। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन प्रीएम्प्टिव। नाउ सपोज P4 की प्रायोरिटी हाईएस्ट थी, हमने P4 को सीपीयू दे दिया, अब एक प्रोसेस P5 आया। अब ये डिसीजन, अगर मैं नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहा हूं तो अभी शेड्यूलिंग का डिसीजन होगा ही नहीं, P5 सीधा यहां पे आएगा, शांति से रेडी क्यू में लग जाएगा। जब P4 सीपीयू छोड़ेगा उस टाइम पे हम चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और उसको सीपीयू देंगे। बट अगर ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की हम बात करें तो जैसे ही P5 आएगा, जैसे ही P5 आया तो इसकी प्रायोरिटी कंपेयर होगी। इसकी प्रायोरिटी अगर P4 से ज्यादा है तो P5 को सीपीयू दे देंगे और P4 को सीपीयू से बाहर निकाल देंगे। ये मेरा हो गया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। एक तरह से अगर देखा जाए तो जो आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो भी एक तरह से स्पेशल केस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, स्पेशल केस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग।
कैसे? इसमें आप देखें कि प्रायोरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सीपीयू बर्स्ट टाइम। अगर मैं ये कहूं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में प्रायोरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सीपीयू बर्स्ट टाइम, वन अपॉन सीपीयू बर्स्ट टाइम, जिसका सीपीयू बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसकी सीपीयू, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वही तो हम करते हैं एसजेएफ में। बट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में एक प्रॉब्लम स्टार्वेशन की आ जाती है, क्योंकि अगर कोई लो प्रायोरिटी प्रोसेस, मान लिया ये पी वन है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ही लो है और प्रोसेस आए जा रहे हैं, ये पीछे पड़ा जा रहा है, तो ये स्टार्व कर जाएगा। क्योंकि अगर हैवीली लोडेड सिस्टम है और प्रोसेस कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो उस केस में ये मेरा कभी एक सीपीयू इसको नहीं मिलेगा, स्टार्वेशन हो जाएगा, इट विल नेवर, पी वन विल नेवर गेट सीपीयू, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया एजिंग का। एजिंग में क्या है कि हर थोड़ी देर बाद जो भी प्रोसेस रेडी क्यू में है उनकी प्रायोरिटी इंक्रीमेंट होती रहेगी, प्रायोरिटी is incremented gradually, धीरे धीरे हम इनकी प्रायोरिटी इंक्रीज करते रहेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी इतनी हाई हो जाएगी कि इसको सीपीयू मिल जाएगा और ये एग्जीक्यूशन कर पाए। लास्ट एल्गोरिथम जो है वो मेरा राउंड रॉबिन है। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में किसी भी प्रोसेस को जो सीपीयू है, ये बेसिकली टाइम शेयरिंग सिस्टम और इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए बड़ा यूजफुल है। बेसिकली एक टाइम क्वांटम होता है, तो सीपीयू इज एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस फॉर ए टाइम क्वांटम, नाउ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अपना काम खत्म करके टर्मिनेट हो जाए, नहीं तो फिर इससे सीपीयू छीन लिया जाता है, स्नैच्ड, और इसको रेडी क्यू में सबसे पीछे जाके लगा दिया जाता है, बाकी सारे प्रोसेस अपना टाइम क्वांटम फिनिश करके फिर इसका नंबर दोबारा से आ जाएगा। तो ये बेसिकली टाइम शेयरिंग, और जहां पे यूजर को जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स की जरूरत है वहां पे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग बड़ी यूजफुल होती है और इसका हम इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। ये सारे एल्गोरिथम थे। इसमें जो एफसीएफएस है उसका कोई प्रीएम्प्टिव वर्जन नहीं है और राउंड रॉबिन का कोई नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन नहीं है। इसका मतलब एफसीएफएस इज इनहेरेंटली नॉन प्रीएम्प्टिव एंड राउंड रॉबिन इज इनहेरेंटली प्रीएम्प्टिव। अब हम गैंट चार्ट की बात करते हैं। बेसिकली क्या है कि कौन सा प्रोसेस कब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस को कब सीपीयू मिला, कब वो कितनी देर उसने वेट किया, उस सब चीजों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम गैंट चार्ट की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और गैंट चार्ट में यह है कि ये फॉर्मेट रहता है, जीरो से शुरू होता है और जब भी प्रोसेस, मान लिया पहले सीपीयू जीरो से लेके फाइव तक सीपीयू पी1 को मिला, फाइव से लेके सेवन तक P2 को मिला, इसके बाद सेवन से लेके 11 तक P4 को मिला, फिर उसके बाद 11 से लेके 13 तक P3 को मिला। तो ये मुझे बता रहा है गैंट चार्ट कि ग्राफिकली कि किस टाइम पे किस प्रोसेस को सीपीयू मिल रहा है। अब इसमें जो क्वेश्चन कई बार आते हैं, चाहे आपके बोर्ड सॉरी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, चाहे आपका गेट हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, प्लेसमेंट वाले एग्जाम्स हो, उसमें जनरली आपको एक सिनेरियो दिया रहता है जिसमें कि प्रोसेसेस हैं, उनका अराइवल टाइम दिया हुआ भी हो सकता है या नहीं भी दिया हुआ हो सकता है। तो फॉर जनरल केस हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि इनका अराइवल टाइम दिया हुआ है। अगर ये अराइवल टाइम वाला कॉलम नहीं है तो व्हाट वी अज्यूम कि अराइवल टाइम इज जीरो फॉर ऑल प्रोसेसेस।
and the order is P1, PG, and order is P0, P1, P2, and P3. Because order is important, we need to consider. इसके बिना तो ऑर्डर के बिना तो होगा ही नहीं, बट लेकिन अगर अराइवल टाइम दिया हुआ है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. बस टाइम तो देना ही पड़ेगा, बस टाइम के बिना काम नहीं चलेगा. और अगर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पे बात करनी है तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. तो ये दो कॉलम, ये वाला कॉलम कंपलसरी है, ये वाला कॉलम कंपलसरी है. ये दो कॉलम डिपेंड करता है आपका न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा गया है. अब मैंने ये कहा कि भाई हमें ये पांच पैरामीटर हमें पता कर, तीन पैरामीटर पता करने हैं, क्योंकि सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट वो एक ट्रेवल चीज है, उसमें आप आसानी से पता लगा सकते हैं. बट इसमें थोड़ा सा, तो अगर मैं ये कहूं कि एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम और थ्रूपुट, थ्रूपुट भी चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. और ये एल्गोरिथम है FCFS, SJF, SRTF, प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव एंड राउंड रॉबिन विद क्वांटम इज इक्वल टू 2 मिलीसेकंड. ये हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया. तो इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम समझेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और कैसे हमारा एल्गोरिथम चल रहा है. तो सबसे पहले मैं, अच्छा एक चीज और है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जब प्रोसेस P1 से छीन के प्रोसेस P2 को सीपीयू दिया जाता है तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है. इसमें कुछ टाइम लगता है, ये टाइम ओवरहेड है. तो जनरली हम यही अज्यूम करते हैं कि दिस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज नेग्लिजिबल. जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम ये मान के चलेंगे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज नेग्लिजिबल, और उसको नेग्लेक्ट करके ही हम अपनी सारी कैलकुलेशन जनरली करते हैं. अगर ये दिया हुआ हो तो फिर उस केस में हमें वी हैव टू कंसीडर इट. तो बेसिकली जब मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करूं तो टी इज इक्वल टू जीरो पे एक ही प्रोसेस था, कोई और था ही नहीं, तो मुझे डिसीजन ये लेना पड़ेगा. सबसे अच्छा तरीका है आप गैंट चार्ट एक बार बना लो, उसके बाद सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करना आसान हो जाता है. ठीक है, तो पी नॉट था टी इज इक्वल टू जीरो पे एक ही कॉन्टेंडर था, तो पी नॉट को दे दिया. ये चूंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है इनहेरेंटली तो छह तक ये चलेगा. टी इज इक्वल टू सिक्स पे जब मैं डिसीजन ले रहा हूं तो ये तीनों प्रोसेस आ चुके, बट पहले P1 आया था तो पहले P1 को मिलेगा. P1 का बस टाइम 4 है तो ये 4 तक चलेगा. उसके बाद P2 आया था, इसका बस टाइम 8 है, ये 12 तक चलेगा. उसके बाद P3 आया, इसका बस टाइम 3 है तो ये 15 तक चलेगा. एक मिनट, ये 4 सॉरी 6 और 4 10 18 ये चलेगा 6 से लेके 10 तक, ये 10 से लेके 18 तक, और 18 से लेके 21 मिलीसेकंड तक. ये मेरा गैंट चार्ट बन गया. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द एवरेज वेटिंग टाइम. तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए मुझे P0 का वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा, P1 का वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा, P2 का वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा, P3 का वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा. P0 जीरो पे आया, जीरो पे सीपीयू मिल गया, तो इसका वेटिंग टाइम 0-0. P1 2 पे आया, 6 पे इसको सीपीयू मिल गया, तो 6-2 इसका वेटिंग टाइम हो गया. प्लस P2 3 पे आया, 10 पे मिल गया, तो 10-3. एंड P3 5 पे आया, 18 पे मिला, 18-5 डिवाइड बाय 4, तो 0 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 13 24/4 इज इक्वल टू 6 मिलीसेकंड. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम. एज फार एज रिस्पॉन्स टाइम इज कंसर्न फॉर नॉन प्रीएम्प्टिव it will be equal to the waiting time. Average response time will equal to the average waiting time in case of non-preemptive algorithm. Right. So in this case, non-preemptive algorithm, this will be the same. 6 milliseconds will be the average response time. However, the turnaround time, if I talk about the turnaround time, you see
the exit of these processes. P naught यहाँ exit हुआ, P1 यहाँ exit हुआ, P2 यहाँ exit हुआ, P3 यहाँ exit हुआ. तो मैं अगर एवरेज टर्नअराउंड टाइम की बात करूं तो चारों को जोड़ना पड़ेगा. P0 का टर्नअराउंड टाइम है 6 माइनस 0, P1 का टर्नअराउंड टाइम है 10 माइनस 2, P2 का टर्नअराउंड टाइम है 18 माइनस 3 प्लस P3 का टर्नअराउंड टाइम है 21 माइनस 5 डिवाइड बाय 4, राइट. सो in this way we can calculate all the three time if throughput in 21 millisecond, four processes in 1 millisecond, 4 upon 21 processes. Agar meri time unit 1 second hai, so in 1000 second or millisecond, 4 upon 21 into 1000 processes per second, this will be my throughput. So in this way we can calculate throughput. Now we discuss other algorithms. उसी algorithm में अगर हम बात करें, एक इसमें number of context switches हमने देखा, number of context switches हमारे तीन हैं इसके अंदर, तो ये भी हम कई बार देखने की जरूरत पड़ेगी. अब हम बात करते हैं shortest job first की. देखिए shortest job first मैं एक बार लिख लेता हूं पहले यहां पे कि हमारे processes क्या हैं. P0, P1, P2, P3, arrival time is 0, 2, 3 and 5. 6, 4, 8 and 3. अभी प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है, प्रायोरिटी की भी खैर हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2, 3, 2 and 1. अब हम बात करते हैं shortest job first की. T is equal to 0 पे मेरे पास कोई है ही नहीं दूसरा प्रोसेस, तो मुझे मैं बात करूंगा P0 की. तो सबसे पहले मुझे P0 को CPU देना पड़ेगा, और चूंकि मैं नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ, SJF नॉन प्रीएम्प्टिव की, तो 0 से लेकर 6 तक P0 के पास CPU रहेगा. अब डिसीजन आएगा T equal to 6 पे. उस टाइम पे ये तीनों प्रोसेस आ चुके हैं, तो इनमें से जो सबसे छोटा CPU बर्स्ट है वो P3 का है, तो पहले P3 को मिलेगा, उसके बाद फिर P1 को मिलेगा for 13, और उसके बाद आपका P2 को मिलेगा for 20. तो ये मेरा Gantt chart बन गया. तो इसी से मैं आराम से वेटिंग टाइम निकाल सकता हूं, अगर निकालना चाहूं तो. देख लीजिए P0 का वेटिंग टाइम 0 माइनस 0 है, P3 का वेटिंग टाइम 6 माइनस 5 है, P1 का वेटिंग टाइम 9 माइनस 4 है, नहीं P1 आया था 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 है, और P2 का वेटिंग टाइम 13 माइनस 3 डिवाइड बाय 4. अगर देखा जाए तो 0 प्लस 1 प्लस 7, 13 माइनस 5 8 डिवाइड बाय 4, तो दैट इज इक्वल टू 4 मिलीसेकंड. तो 6 मिलीसेकंड से हम 4 मिलीसेकंड पे आ गए, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट जॉब को प्रेफरेंस दी. इसी तरह से टर्न अराउंड टाइम और वो भी निकाल सकते हैं हम, turn around time and response time. Response time will be the same because it is non-preemptive. Turn around time, एक और तरीका है turn around time निकालने का. अगर आपने average waiting time निकाल लिया 4, आप ये सारे जोड़ दीजिए, इसको 4 से divide कर दीजिए, तो 8 3 11 4 15 6 21 21 बटे 4 4 plus 5.25, that is equal to 9.25 millisecond will be the average turnaround time. You can calculate, अगर आपने एक बार waiting time निकाल लिया तो उसमें आप ये execution time add करके उसको 4 से divide कर देंगे, तो you will be able to calculate this.
अब हम बात करते हैं SRTF की। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। जब मैं SRTF की बात कर रहा हूं तब आप देखिए कि क्या हो रहा है कि पहले मैंने CPU दिया P0 को, T is equal to 0 पे मेरे पास ओके था ही नहीं ऑप्शन, तो P0 को CPU दिया तो ये 0 से शुरू हुआ। T is equal to 2 पे एक प्रोसेस आया, उसका बर्स्ट टाइम 4 है, बट इन द मीन टाइम इस प्रोसेस का भी रिमेनिंग टाइम 4 ही रह गया, तो प्रेफरेंस P0 को ही मिलेगी। ठीक है, अगर ये मान लिया इस एग्जांपल के लिए मैं इसका टाइम चेंज करके 3 मिलीसेकंड कर देता हूं, तो क्या होगा कि सीपीयू P0 पे जैसे ये 2P1 आया T इक्वल टू 2 पे, तो यहां पे ये चेंज हो जाएगा, ये P0 और ये 0 से लेके तक चलेगा P0। उसके बाद में अब इसका रिमेनिंग टाइम रह गया 4, ये आ गया 3 वाला और ये अभी आया नहीं है। T=2 पे डिसीजन होगा कि भैया इसका रिमेनिंग टाइम अब 3 रह गया, जो प्रोसेस करंटली चल रहा है उसका रिमेनिंग टाइम 4 है, तो हम यहां पे सीपीयू P1 को देंगे। अब T=3 पे ये प्रोसेस आया, इसका बर्स्ट टाइम 2 है, इससे तो छोटा है, लेकिन ये 1 मिलीसेकंड चल चुका, इसका रिमेनिंग टाइम 2 मिलीसेकंड रह गया, ये दोनों इक्वल हैं, तो P1 विल कंटिन्यू, ये चलेगा 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक ये चलेगा, 5 पे ये प्रोसेस आया। अब मेरे पास 3 बच गए, एक P0 है जिसका रिमेनिंग टाइम 4 है, एक P2 है जिसका रिमेनिंग टाइम 2 है, ये P3, तो P2 को हम देंगे CPU। P2 मेरा 5 से लेके 7 तक चलेगा, उसके बाद ये दोनों हैं, P3 है, P3 का रिमेनिंग टाइम अब 3 है, तो P3 यहां पे चलेगा। ठीक है, ये भी मैंने चेंज कर दिया, 8 की जगह इसको 2 कर दिया, तो P3 का रिमेनिंग टाइम मेरा, क्योंकि इन ऑर्डर टू मेक इट मोर रिलेवेंट, उसके बाद मेरा P3 आ गया, तो P3 मेरा 7 से लेके 10 तक चलेगा और उसके बाद मेरा P0 आएगा अप टू 14, 6, 4, 10, 6, 3, 9 तो 11, 13, 14। ठीक है, अब मैं अगर वेटिंग टाइम की बात करूं, यहां पे देखिए वेटिंग टाइम P0 यहां पे रेडी क्यू में है, यहां पे शुरू में आया, रेडी क्यू में नहीं रहा, आते सीपीयू उसको मिल गया, तो जब मैं P0 का वेटिंग टाइम बात कर रहा हूं तो 0 माइनस 0 प्लस, यहां पे यहां से लेके यहां तक P0 मेरा रेडी क्यू में है, 10 माइनस 2, तो 8 मिलीसेकंड, P0 का वेटिंग टाइम 8 मिलीसेकंड है, P1 2 पे आया, 2 पे मिल गया, इसके वेटिंग टाइम 0 है, P2 3 पे आया, 5 पे मिला, तो 5 माइनस 3 इज 2, एंड P3 इज 7 माइनस 5, अगेन 2 डिवाइड बाई 4, दिस बिकम्स 12/4, दैट इज 3 मिलीसेकंड। तो इन दिस वे वी कैन सी how it is working. Now, if we talk about priority scheduling, how it works. First of all, we have to assume, पहले हम बात करेंगे priority non-preemptive की, right? और हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हाईएस्ट नंबर हाई प्रायोरिटी, उल्टा भी मानते हैं कई जगह,
तो हाईएस्ट नंबर मेरा हाई प्रायोरिटी रहेगा। तो इसमें बेसिकली हम इस तरह से काम करेंगे। इस एग्जांपल में देखिए आप, टी इक्वल टू, अभी नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो पे प्रोसेस आया, कोई और प्रायोरिटी प्रोसेस नहीं था, तो पी नॉट को हमने सीपीयू दे दिया, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है तो जीरो से लेकर सिक्स तक ही चलेगा। सिक्स पे तीनों प्रोसेस आ चुके और मैं हाई नंबर को हाई प्रायोरिटी मान रहा हूं, तो पहले मुझे पी वन को देना होगा सीपीयू, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है, ये सिक्स से लेके टेन तक ये चलेगा। फिर अब ये दो रह गए, इनमें प्रायोरिटी पी टू की हाईएस्ट है, तो पी टू चलेगा टेन से लेके ट्वेल्व तक, और ये फिफ्टीन, ट्वेल्व से लेके फिफ्टीन, बी थ्री। दिस इज इन केस ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव, बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई टॉक अबाउट प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव एंड द सिनेरियो चेंजेस। इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं है, तो मुझे जो भी पी नॉट है उसको देना पड़ेगा, बट टी इज इक्वल टू टू पे ये प्रोसेस आया पी वन, और इसकी प्रायोरिटी थ्री है विच इज हायर देन दिस, तो टी इज इक्वल टू टू पे मैंने पी सीपीयू से छीन लिया और पी वन को सीपीयू दे दिया, पी वन को सीपीयू दे दिया। तो अब उसके बाद ये टी इज इक्वल टू थ्री पे ही आया, लेकिन इसकी प्रायोरिटी लोअर है, टी इज इक्वल टू फाइव पे ही आया, इसकी प्रायोरिटी भी लोअर है, तो ये चलेगा सिक्स तक, पी वन चलेगा। अब सिक्स पे दो प्रोसेस है, पी नॉट एंड पी टू, जिनकी प्रायोरिटी टू टू है, लेकिन चूंकि पी नॉट पहले आया था तो विल कंटिन्यू विद पी नॉट, तो यहां पे लेके ये दस तक ये चलेगा। उसके बाद ये दो रह गए प्रोसेसेस पी टू एंड पी थ्री, इसकी प्रायोरिटी पी टू है, हायर है, तो पी टू चलेगा पहले अप टू टेन टू ट्वेल्व, एंड देन वी विल गो फॉर पी थ्री अप टू फिफ्टीन। अब अगर हम वेटिंग टाइम की बात करें तो पी नॉट यहां वेट कर रहा है, पी नॉट का वेटिंग टाइम फोर हो गया, पी वन का जीरो हो गया, पी टू का हो गया टेन माइनस थ्री, और पी थ्री का हो गया ट्वेल्व माइनस फाइव डिवाइड बाई फोर, तो वी कैन कैलकुलेट चार सात चार ग्यारह और सात अठारह चार 4.5 मिलीसेकंड एवरेज। So in this way we can calculate priority preemptive, and the last algorithm is our round robin scheduling. In round robin scheduling, what happens? We fix a time quantum, and we have to maintain. We have to see how the ready queue is moving. यहाँ पे मैं ready queue रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोसेसेस किस तरह से मेरे मूव करेंगे उसकी बात कर लेता हूं। फिर हमने पी नॉट पी वन पी टू एंड पी थ्री अराइवल टाइम इज जीरो टू थ्री एंड फाइव, बर्स्ट टाइम इज से सिक्स फोर टू एंड थ्री। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो t इज इक्वल टू जीरो पे जो रेडी क्यू है वो p नॉट है, तो मुझे p नॉट को सीपीयू देना है और एक टाइम क्वांटम के लिए देना है। अब उसके बाद t इज इक्वल टू टू पे ये प्रोसेस आया, t इज इक्वल टू टू पे p वन है, मैंने p नॉट को सीपीयू दे दिया, यहां से खत्म हो गया, t इज इक्वल टू पे p वन आ गया, यहां से मैंने p नॉट को छीन लिया, वो p नॉट इसके पीछे आके लगा, तो अब सीपीयू मिलेगा p वन को वन टाइम क्वांटम के लिए 2 से लेके 4। T इज इक्वल टू 3 पे एक प्रोसेस और आ गया P2, तो P नॉट पहले ही था, उसके पीछे आके P2 लग गया। T इज इक्वल टू 4 पे P1 का टाइम क्वांटम खत्म हो गया, बर्स्ट भी खत्म हो गया, यहां से एग्जिट कर जाएगा, रेडी क्यू में नहीं जाएगा। जब P नॉट का टाइम क्वांटम खत्म हुआ था, चूंकि इसका बर्स्ट बचा हुआ था, तो रेडी क्यू में पीछे आके लग गया था। अब क्या हुआ कि P1 का जैसे ही एक टाइम क्वांटम, इसका बर्स्ट टाइम भी 2 मिलीसेकंड था, नहीं 4 मिलीसेकंड है, सॉरी 4 मिलीसेकंड है, तो अभी ये कंटिन्यू करेगा। तो P नॉट P2, अब T इक्वल टू 4 पे मेरा बन जाएगा P नॉट P2 एंड P1। P नॉट फ्रंट पे है, तो P नॉट को हम देंगे दोबारा 6 तक जाएगा। T इक्वल टू 5 पे एक प्रोसेस और आ गया P3, तो मेरी रेडी क्यू होगी P2 P1
P3। अब T is equal to 6 पे इसमें ये भी टाइम क्वांटम इसका फिनिश हुआ और ये यहां पे आके लग गया P2, P1, P3 एंड P0। तो P2 को हम CPU देंगे, P2 को हमने CPU दे दिया। तो P2 क्या करेगा, P2 का जो टाइम है वो 2 मिलीसेकंड है सर, तो ये यहां से एग्जिट कर जाएगा T=8। तो T=8 पे जो मेरी CPU रेडी क्यू है वो है P1, P3 एंड P0। तो P1 को CPU मिल जाएगा T=8 पे, 10 मिलीसेकंड तक ये चलेगा। और T=10 पे क्या हो जाएगा, P3 है, P0 है, P1 का काम अभी बचा हुआ है, तो P1 यहाँ पे आके पीछे लग जाएगा और P3 को CPU मिल जाएगा। P3 को मिला CPU 10 से लेके 12 तक, ठीक है। और P1 यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा T=10 पे, यहाँ पे P1 एग्जिट करेगा, तो ये यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि इसका एक क्वांटम यहाँ चल चुका, एक क्वांटम यहाँ चल चुका, तो ये मेरा T=10 पे P1 भी एग्जिट कर जाएगा। इसके बाद अभी मेरा P0 है, P0 चलेगा 12 से लेके 14 मिलीसेकंड तक, ये भी एग्जिट कर जाएगा क्योंकि दो मिलीसेकंड यहाँ, टोटल 6 मिलीसेकंड। और उसके बाद में मेरा P3 आएगा तो 1 मिलीसेकंड तक चलेगा और जो यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा। तो हमें रेडी क्यू को बड़ा मेंटेन करके चलना है, किस तरह से कौन सा प्रोसेस कहाँ रेडी क्यू में लगेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो इसके हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि रेस्पॉन्स टाइम बड़ा कम आ जाता है। अगर आप देखेंगे कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बाकी सारी एल्गोरिथम्स के मुकाबले में बहुत कम है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ जाता है। मैं अगर इसको लिख दूं, रेस्पॉन्स टाइम इज गुड, बट नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस इंक्रीजेस। हाय, एंड दिस इज एन ओवरहेड, तो वो इसमें ये दिक्कत तो है। अब एक इसमें डिजाइन इश्यू ये आता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टाइम क्वांटम। अगर मैं मान लिया ज्यादातर प्रोसेस मेरे 50 मिलीसेकंड से कम सीपीयू बर्स्ट रखते हैं और मैंने टाइम क्वांटम 50 मिलीसेकंड रख दिया, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में डिजेनरेट हो जाएगा। और अगर मैंने मान लिया 1 मिलीसेकंड का टाइम क्वांटम रख दिया और प्रोसेसेस मेरे 10, 15, 20 मिलीसेकंड के होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बहुत हाई हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली एक बैलेंस बना के चलना होगा ताकि क्वांटम ऐसा रहे कि कुछ प्रोसेस अपना एक टाइम क्वांटम में फिनिश भी कर लें और कुछ प्रोसेस को 2, 3 या 4 टाइम क्वांटम भी लगते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ना हो कि टाइम क्वांटम बहुत छोटा या बहुत बड़ा रखेंगे तो हमें दिक्कतें आएंगी। ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा जो इश्यू है कि मैंने ये बताया कि एक कोई एल्गोरिथम, वन एल्गोरिथम डज नॉट फुलफिल द नीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसेस। Requirement of all type of processes. Processes कई तरह के होते हैं,
जैसे इंटरेक्टिव प्रोसेसेस जिनके लिए रेस्पॉन्स टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस ये पीछे चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, तो इनके लिए ये रेस्पॉन्स टाइम और सबका इतना महत्व नहीं है। फिर आपके सिस्टम प्रोसेसेस हो सकते हैं, रियल टाइम प्रोसेसेस हो सकते हैं, इन सब के लिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका रेस्पॉन्स टाइम इंपॉर्टेंट है तो यहां पे आपकी राउंड रोबिन फिट बैठेगी। इनको विचारों को आप FCFS पे लगा सकते हो, बैच प्रोसेसेस या बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है सिस्टम में कई तरह के प्रोसेसेस होते हैं और एक एल्गोरिथम चूंकि सबकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, इसलिए हमें कई बार मल्टीपल लेवल क्यू शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। उसमें क्या है कि हर अलग अलग तरह के प्रोसेस के लिए हम मल्टीपल क्यूज रखते हैं और अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उस क्यू के ऊपर अप्लाई होता है। तो जैसे ये तीन क्यू हैं आपकी, ठीक है, ये सिस्टम प्रोसेसेस हैं, ये इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं, ये बैच प्रोसेसेस हैं या बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। तो अब इनके बीच में टाइम डिवाइड हो जाता है। मान लिया हमने कहा कि 40% टाइम हम इन्हें देंगे, 40% टाइम इस क्यू को देंगे और 20% टाइम इसको देंगे। फिर इसके अंदर आपका FCFS एल्गोरिथम लगेगा, यहाँ पे आपका राउंड रॉबिन लगेगा, टाइम क्वांटम डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसेस, और यहाँ पे आपका प्रायोरिटी एल्गोरिथम लगेगा। यू विल अप्लाई प्रायोरिटी एल्गोरिथम। तो बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स दिस इज नोन एज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। अब क्या होता है कि एक प्रोसेस एक ही फेज में नहीं रहता, अभी वो बैकग्राउंड प्रोसेस है, थोड़ी देर में हो सकता है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस बन जाए, तो उस केस में मल्टी लेवल फीडबैक क्यू भी चलता है। एक प्रोसेस एक क्यू से दूसरी क्यू में जंप कर सकता है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, जिसमें कि एक प्रोसेस अभी बैकग्राउंड प्रोसेस है उससे ये इंटरेक्टिव बन सकता है ना, उससे फिर ये रियल टाइम शेड्यूलिंग में भी जा सकता है, तो जिसमें की प्रायोरिटी लगानी पड़ेगी। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। दूसरी चीज, अभी तक जो मैं बात कर रहा था उसमें ये मान के चल रहे थे कि देर इज ए सिंगल CPU, बट मल्टी कोर इज ए नॉर्म nowadays. मल्टी कोर इज ए नॉर्म, तो देर आर मल्टीपल कोर्स। अगर क्वाड कोर की मैं बात करूं तो चार कोर्स हैं, C1, C2, C3 एंड C4। तो उसमें शेड्यूलिंग किस तरह से होगी? तो एक तो दो चीजें हैं, एक तो हम मल्टी लेवल मल्टी कोर CPU जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक हेट्रोजीनियस और एक होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस CPU में मास्टर स्लेव रिलेशनशिप रहती है, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में एक मास्टर होता है विच कंट्रोल्स स्लेव्स, और इसमें शेड्यूलिंग की जिम्मेदारी इसी की भी रहती है। लेकिन अगर मैं होमोजीनियस शेड्यूलिंग की बात करूं और एक क्वाड कोर सिस्टम की बात करूं, तब फिर एक इश्यू यह आता है कि क्या एक रेडी क्यू हो जिसमें से प्रोसेसेस एक एक करके CPU को देते रहें, या हर प्रोसेस की अपनी अलग रेडी क्यू हो। इस प्रोसेसर की अपनी अलग रेडी क्यू है, इस प्रोसेसर की अपनी अलग रेडी क्यू है, इस प्रोसेसर की अपनी अलग रेडी क्यू है, इस प्रोसेसर की अपनी अलग रेडी क्यू है। दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे एक रेडी क्यू जनरली हम रखते हैं, रीजन ये है कि मान लिया इस प्रोसेसर की रेडी क्यू तो खाली पड़ी हुई है, तो इसको तो ये तो खाली बैठा रहेगा, और जबकि ये प्रोसेसर मान लिया इसमें कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर हैं, तो ये दोनों प्रोसेसर ओवरलोडेड हैं, ये प्रोसेसर खाली बैठे हैं। तो अगर एक रेडी क्यू होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देख के कि जो भी प्रोसेसर खाली है उसको CPU एलोकेट
कर देगा। एक जो दूसरी चीज है वो है रियल टाइम शेड्यूलिंग। रियल टाइम सिस्टम्स आर दोस इन विच डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट डेडलाइंस आर मेट। और दो तरह के सॉफ्टवेयर रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, RTS अगर मैं कहूं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इन हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ए डेडलाइन, वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ए डेडलाइन बिकॉज मिसिंग ए डेडलाइन विल लीड टू कैटास्ट्रोफिक फेल्योर। Whereas in soft real-time systems, we try to meet as many deadlines as possible अगर डेडलाइन मिस भी हो गई तो सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, कोई कैटास्ट्रोफिक फेल्योर नहीं होगा। तो जहां तक की हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स की बात है तो हमें रिसोर्स रिजर्व करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चेक करना पड़ेगा कि एक तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज करते हैं, चाहे हार्ड रियल टाइम सिस्टम हो या सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम हो, दे यूज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। राइट, और ये जनरली प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात होती है, क्योंकि कोई भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया तो उसको तुरंत अटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, अब इसमें कई बार क्या रहता है कि सिस्टम कॉल्स आर जनरली नॉन प्रीएम्प्टेबल, तो उस केस में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्या है कि कई बार कोई सिस्टम कॉल है जो कि नॉन प्रीएम्प्टेबल है और ये किसी लो प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए वेट कर रही है, सिस्टम कॉल है कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, वेटिंग फॉर दिस लो प्रायोरिटी प्रोसेस। तो उस केस में इसका तो शेड्यूलिंग होगा ही नहीं, तो ये प्रोसेस ये वेट ही करता रह जाएगा ना, ये एग्जीक्यूट होगा ना ये एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में हम एक यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी इन्वर्जन। जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी इन्वर्जन। देयर इज ए प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल टू हैंडल दिस सिचुएशन। उसमें क्या है कि जो ये लो प्रायोरिटी प्रोसेस है ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेता है, ये प्रायोरिटी जो है इसको मिल जाती है और इसके बाद इसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, और जब एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा तो इसका वेटिंग खत्म हो जाएगा और ये प्रोसेस भी मेरा एग्जीक्यूट कर पाएगा। दूसरी जो समस्या आती है हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स में खास तौर पे, कि जो सिस्टम कॉल्स हैं दीज आर नॉन प्रीएम्प्टेबल। मान लिया एक सिस्टम कॉल है जो कि लंबी सिस्टम कॉल है, लॉन्ग टेकिंग लॉन्ग टाइम ये चल रही है, और यहां पे कोई मेरा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया जिसको तुरंत अटेंशन की जरूरत है, तो उस केस में चूंकि ये सिस्टम कॉल है और ये प्रीएम्प्टेबल नहीं है तो ये प्रोसेस तो वेट करता रह जाएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं होगा जबकि इसको तुरंत चाहिए सीपीयू। तो उस केस में क्या करते हैं, हम प्रीएम्प्शन पॉइंट लगाते हैं, एक ही प्रीएम्प्शन पॉइंट यहां लगा दिया, एक प्रीएम्प्शन पॉइंट यहां लगा दिया, तो यहां पे आके ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस तो नहीं है, और अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो सिस्टम कॉल को प्रीएम्प्ट कर देगा और बाद में इसका रिजम्पशन करेगा एग्जीक्यूशन। और ये प्रीएम्प्शन पॉइंट ऐसी जगह पे होने चाहिए जहां पे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सिस्टम करप्ट होने के चांसेस ना हो। तो यही सब डिस्कशन था जो कि हमें करना था सीपीयू शेड्यूलिंग में, इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।